सो गाइस, ये रहा तुम्हारा बोट बेस 220 और रियलमी बड्स का कंपैरिजन वीडियो। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए गाइस, और लास्ट वीडियो पे इतना प्यार और इतना लव दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। सो इस वीडियो को उसी तरीके से शेयर करना और थोड़ा बहुत ज़रूर अच्छा खासा व्यूज़ देना इस वीडियो पे। सो गाइस, बात कर लेंगे इस वीडियो में बोट बेस 220 और रियलमी बड्स का, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा अच्छा एयरफोन है। अगर प्राइस की बात करें तो आपको बेस 220 में आपको जो प्राइसिंग है वो 570 या 580 अप डाउन होता रहता है। लास्ट ईयर तो आपको यहाँ पे 450 तक चला गया था इसमें amazon.com.in पे, और इसकी प्राइसिंग है रियलमी बड्स की 499 जो कि 500 रुपये है, और कम होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी, पक्की गारंटी में। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरफोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की। सो गाइस, डिज़ाइन के मामले में रियलमी बड्स बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। इसका आपको जो शेल है वो आपको 45 डिग्री एंगल पे अलाइन है, जिसकी वजह से इसका जो फिट है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट आता है, और कभी भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है आपको उसकी वजह से, बहुत कम डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। और बात करते हैं बेस हेड की, तो बेस हेड का जो थोड़ा सा जो शेल है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है कंपैरिजन में इसके, अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसके हिसाब से। और ये जो इतना ज़्यादा साइज़ है ना, ये कान से बाहर निकला रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और अगर आपका कान थोड़ा सा मतलब स्मॉल साइज़ वाला है जैसे कि मेरा है, सो गाइस इसमें आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिलता रहेगा आपको बार बार साउंड क्वालिटी में, और ये परफेक्ट फिट कभी नहीं दे पाएगा जैसे कि आपको रियलमी बड्स 45 डिग्री एंगल अलाइन करके देगा। सो यहाँ पे रियलमी बड्स कम्फर्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं इसके वायर क्वालिटी एंड डिज़ाइन की। सो गाइस, वायर क्वालिटी से सबसे पहले बात आती है यहाँ पे इसके रिमोट फंक्शंस की। सो आपको यहाँ पे बोट बेस में जो है वन बटन मिलता है, जिससे आपको पॉज, प्ले, कॉल रिजेक्ट, कॉल आंसर और गूगल असिस्टेंट को आप एक्सेस कर सकते हो प्रेस एंड होल्ड करके। लेकिन गाइस, आपको यहाँ पे रियलमी बड्स में वॉल्यूम रॉकर्स की मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा तो होता है ट्रैवल के टाइम पे। बस यहाँ पे आपको मोबाइल नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट अपने साउंड कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको पॉज, प्ले, जितने भी सारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, पॉज, प्ले, कॉल रिजेक्ट, कॉल आंसर और गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हो। और अगर बात करते हैं गाइज माइक की, तो यहाँ पे दोनों में आपको माइक सेम जगह पे है। मेरे को दोनों ही का माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा बोट बेस का ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप जज कर सकते हो उसके हिसाब से। और साउंड में जो बात करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। वैसे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले 2 दिन तक यूज़ किया है बोट बेस को, और काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव एयरफोन है, नो डाउट। सो गाइस, अब बात करते हैं तार क्वालिटी की, वायर क्वालिटी की सॉरी। सो गाइस, यहाँ पे आपको फ्लैट स्टाइल वायर मिलेगा, यहाँ पे आपको केवलर ओ डिज़ाइन या फिर आपको सर्किल डिज़ाइन का वायर मिलेगा। वायर क्वालिटी में रियलमी बड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको पहले बताया था जो बिल्ड क्वालिटी है इन दोनों एयरफोन में, रियलमी बड्स काफ़ी आगे। फ्लैट स्टाइल केबल इज़ नॉट माई क्लास गाइज, मुझे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इसको आपको हैंडल करने में थोड़ा परेशानी होती है, जैसे कि आपको लगातार कहीं सुनने में या फिर आपको गाने सुनने में आपको ट्रैवल करते हो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, नो डाउट यहाँ पे आपको। लेकिन टैंगल नहीं होता, और टैंगल आपको केवलर वायर भी नहीं होता है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायर हो गया यार, इसको थोड़ा साइड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको रियलमी वन अगेन आगे निकल रहा है। गाइस, अगर बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की, तो आपको यहाँ पे बोट बेस में मिल जाएगा 1 ईयर की वारंटी, जबकि आपको रियलमी बड्स में 6 मंथ की वारंटी। और अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा बड्स की, तो आपको यहाँ पे रियलमी बड्स में स्मॉल और जो लार्ज साइज़ है वो इसमें है, और आपको मीडियम वहाँ पे लगा हुआ है। और बोट बेस में तो बहुत ज़्यादा भर भर के दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या है इसमें, एक बार आपको दिखाता हूँ निकाल के। और गाइस, बोट बेस में आपको मिलेगा बहुत सारा एयरबड्स, बहुत ज़्यादा यार। और यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे एयर हुक भी मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, एयर फिट काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कंप्लेन किया था कि इसका एयर फिट नहीं अच्छा है, और कंपनी भी शायद जानती है कि एयर फिट अच्छा नहीं है, इसीलिए इसने ये दिया है। सो दैट्स इट। सो गाइस, अब बात करते हैं जैक की। सो गाइस, आपको यहाँ पे रियलमी बड्स में मिल जाएगा 3.5 mm जैक, दोनों में सेम है गाइस। और आपको यहाँ पे एल शेप का मिल जाएगा बेस हेड में, और आपको यहाँ पे रियलमी बड्स में मिल जाएगा सीधा है ये। और यहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड है बेस हेड, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसके साथ। और आपको यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड नहीं है, गोल्ड प्लेटेड का मतलब ये होता है कि आपको लॉन्ग रन में अच्छा चलता है, थोड़ा सा गारंटी हो जाती है कि आपका ज़्यादा दिन चल जाएगा जैक। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी होती है उसमें क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है थोड़ी सी। इसके मुताबिक क्या होता है कि जो आपको गोल्ड होता है ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, इसकी वजह से। ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाना चाहता, लेकिन यही होता है, मैंने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा था। यहाँ पे जो इसका शेल है वो आपको यहाँ पे प्लास्टिक की, बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, और आपको यहाँ पे रबराइज मटेरियल है, और ये शायद मेटल लग रहा है मुझे, आई डोंट नो। लेकिन यार दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा रिलायबल लग रहा है, और दोनों में कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन एल शेप मुझे ज़्यादा पसंद है, नो डाउट। लेकिन यार एल शेप के साथ अगर आपको तार ये वाला देना था तो मेरे को अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको तार जो है ना बहुत ज़्यादा मुड़ता रहता है, बार बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको कैवलार की बात ही अलग होती है, कैवलार की क्वालिटी अलग होती है। सो अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग लाउडनेस की, बेस हेड का जो लाउडनेस है थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे इन कम्पेयर टू रियलमी बर्ड्स। आपको यहाँ पे रियलमी बर्ड्स में 11 mm का ड्राइवर मिल जाएगा, बेस हेड में 10 mm का ड्राइवर है, स्टिल यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाउड ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियो में क्या होता है कि बराबर ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे मुझे बेस हेड में लाउडनेस थोड़ी ज़्यादा लगी। अगर बात करते हैं क्लैरिटी की, तो गाइस क्लैरिटी में रियलमी इज क्लियर विनर, नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं था। आपको बहुत ज़्यादा हाई साउंड क्वालिटी पे रियलमी बर्ड्स की भी जो क्लैरिटी थोड़ी सी कभी कभी डिस्टर्ब होती थी, लेकिन इतनी डिस्टर्ब नहीं होती है कि जितनी आपको बेस हेड में होती है। बेस हेड की मेन बात यह है कि आपको फिटनेस में प्रॉब्लम आती है, मतलब फिटनेस में सो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको क्लैरिटी कम लगेगी, लेकिन आपको अगर आपको परफेक्ट फिट होता है रियलमी बर्ड्स, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है राइट और लेफ्ट, उसके हिसाब से लगाते हो आप, तो आपकी जो क्लैरिटी वो साउंड की बहुत ही अच्छी आने वाली है। और गाइस अगर बात करते हैं प्रीमियम फीलिंग की दोनों ही ईयरफोन में, तो मैं चूज़ करूँगा रियलमी बर्ड्स को अगेन। यहाँ पे आपको रियलमी बर्ड्स में मैग्नेटिक फीचर मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, आपको कान में गर्दन में लटका के घूम सकते हो जब आपको यूज़ नहीं करना है, तो थोड़ा सा कूल लगेगा वो। और दूसरी बात यह है कि इसका जो क्वालिटी है इसकी वजह से प्रीमियम ज़्यादा फील करता है, और आपको यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा साउंड कंट्रोल बटन है वो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा और प्रीमियम हो जाता है। वैसे अगर बात करते हैं बेस हेड की, तो बेस हेड भी उतना ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है जब इसको यूज़ करते हैं, तो ये जो फ्लैट स्टाइल केबल है मुझे पसंद नहीं है, और बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है क्योंकि ये इजी टू हैंडल नहीं होता है, इजी टू केयर नहीं होता है। तो बात करते हैं बेस क्वालिटी की, तो रियलमी बर्ड्स कहीं से भी आपको बेस हेड 220 को पीछे नहीं छोड़ सकता है। इसका जो बेस हेड का स्पेशल जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो बेस के लिए होता है, मैं कहीं पढ़ा था मैंने, इसका जो साइज़ वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसकी इतनी कमाल की क्वालिटी के लिए, साउंड क्वालिटी के लिए। लेकिन गाइस इसमें आपको रियलमी बर्ड्स में भी उतना ख़राब बेस नहीं है, मतलब आपको अगर इसको मैं 10 out of 10 दूंगा तो इसको मैं आपको 7.5 out of 10 दूंगा, इतना अच्छा बेस है इसमें। तो गाइस 500 रुपये की प्राइसिंग है इसकी, ये है 570 रुपये का, लेकिन आपको रियलमी बर्ड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ में अच्छी चीज़ मिल जाती है। सो गाइस ओवरऑल अगर लास्ट में मैं बोलूँ, तो एक कैजुअल यूज़र हो आप, मतलब कि आपको अगर ट्रैवल ज़्यादा करते हो, मेट्रो में जाना है आपको, पढ़ाई करते वक्त जाना है, रिक्शे वक्शे में सुनने के लिए एयरफोन, तो आप रियलमी बर्ड्स ले लो। और आपको कैजुअल यूज़र हो, जैसे कि आपको ऑफिस में काम करते यूज़ करना है, या फिर आपको पढ़ते म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं यार, मैं भी सुनता हूँ, और आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए, बहुत तगड़ी क्वालिटी चाहिए साउंड की, तो आपको बेस हेड आपके लिए है। सो गाइस अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं गाइस लूँगा रियलमी बर्ड्स, बिकॉज मेरे पास रियलमी U1 है, रियलमी यूज़र हूँ मैं, और रियलमी मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरे को बेस हेड में ये प्रॉब्लम है कि इसमें फिट में प्रॉब्लम आती है मुझे, जिसको वैसे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कंफर्ट नहीं होगा मेरे पास तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा मानना है। और मैं बेस हेड तब यूज़ करूंगा जब मेरे मूवी देखना है, मैं आराम से बैठ कुछ काम वाम करूंगा तब इसको यूज़ करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। दोनों ईयरफोन की बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, दोनों ले लो, कोई बात नहीं है, दोनों ले लो।